हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 कंपोजिट फंक्शन में अपना बाइनरी ऑपरेशंस वाला टॉपिक पढ़ेंगे। बाइनरी ऑपरेशंस यानी द्विचर संक्रियाएं होती क्या हैं, ये थोड़ा सा देखते हैं। देखो, बाइनरी बाइनरी का मतलब होता है फॉर टू, दो के लिए, दो चीज़ों के लिए। ऑपरेशंस ऑपरेशंस का मतलब होता है कुछ रूल्स, कुछ नियम या संक्रियाएं जो किसी चीज पर अप्लाई कर रहे हैं। हिंदी में यही बात है। द्विचर मतलब होता है दो चरों पर, किन्हीं दो चीज़ों पर, दो चरों पर। संक्रियाएं संक्रियाएं मतलब ऑपरेशंस, मतलब कुछ नियम कानून जो लागू होते हैं। हमारे मैथ में क्या नियम कानून हैं, हमारे मैथ में क्या ऑपरेशंस हैं वो देखते हैं। प्लस होते हैं, माइनस होते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये कुछ ऑपरेशंस हैं हमारे। इसके अलावा और भी ऑपरेशंस होते हैं, हायर, डी अपॉन डी एक्स वाला टाइप, इंटीग्रेशन टाइप, ये ऑपरेशंस हैं मैथमेटिकल। तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये है कि कोई दो ऐसे वेरिएबल्स मैं लूँगा, ए और बी ले सकता हूँ, एक्स या वाई ले सकता हूँ, और उन पर कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक रूल या ऑपरेशन लगाऊंगा। उस ऑपरेशन को स्टार से दिखाते हैं, स्टार से डिनोट करते हैं। हमारे यहाँ आरबीएससी बोर्ड में इसे स्टार से डिनोट किया गया है, और आप चाहें तो इसे और भी किसी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं। पूरी मैथमेटिक्स में सिंबल्स का कोई सानी नहीं है, बहुत से सिंबल से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्टार सिर्फ और सिर्फ दिखाने का एक ज़रिया मात्र है, शो करने का एक तरीका है। किस चीज़ को? बाइनरी ऑपरेशन को, ठीक है। तो हम लोग स्टार से इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ऑपरेशंस, जैसा कि आपको बता रहा हूँ कि मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक्सेट्रा। तो यहाँ क्या सर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही यूज़ होने वाले हैं? नहीं, ये वाले हम लोग सीखते हैं 10th क्लास तक। अब जो हम बाइनरी ऑपरेशन सीखने वाले हैं उसमें इस स्टार से ये दिखाना है कि ए और बी पर कुछ स्पेसिफिक रूल लगे हुए हैं, लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू हो सकता है, या ए और बी को जोड़ के उसको किसी नंबर से डिवाइड किया हुआ हो सकता है, या ए प्लस बी और ए बी को ही मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया हुआ हो सकता है। तो ये स्टार जो है ऑपरेशन, ये इस तरीके से कुछ रूल्स हैं उनको दिखाता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब स्पेसिफाई किया जाए कि सर इसमें जुड़ेगा ही, घटेगा ही, मल्टीप्लाई ही होगा या डिवाइड ही होगा, कुछ भी हो सकता है। ये ऐसे भी हो सकते हैं कि ए अपॉन बी, ये ऐसे भी हो सकते हैं कि ए बी बाई फोर, कुछ भी हो सकते हैं। ये स्टार सिर्फ ऑपरेशन को दिखा रहा है कि ये जो रूल्स या जो ये ऑपरेशंस लग रहे हैं उनके उनको कैसे करना है। जैसे कि अगर ए स्टार बी जो है ए प्लस बी माइनस ए बी दिया है, तो इसका मतलब है कि आप एक ए की जगह लिख लें और बी की जगह दो लिख लें, तो वन स्टार टू का मतलब ये बन जाएगा कि वन प्लस टू माइनस वन इंटू टू, तो ये दो और एक तीन माइनस दो एक, ठीक है। ए और बी की जगह कुछ अलग चीज़ ले लें, लाइक ए की जगह तो ए और बी की जगह कोई नंबर ले लें, या ए की जगह एक्स और बी की जगह कोई नंबर दो ले लिया, तो x प्लस दो माइनस इधर हो जाएगा 2x, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो माइनस एक्स प्लस टू। तो इस तरीके से इन ऑपरेशंस को हम लोग वेरिएबल चेंज कर करके भी बना सकते हैं और दूसरी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो ये होता है आपका बाइनरी ऑपरेशन द्विचर संक्रिया है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। बाइनरी ऑपरेशन में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं और उन्हें हम सोल्व करेंगे। तो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो चीज़ें एक बार देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ मतलब गुणधर्म। प्रॉपर्टीज़ ये हैं,
जो बाइनरी पे लगती हैं और जो हर जगह यूज़ होती हैं अपने हमारे जनरल ऑपरेशंस में तो यूज़ होती ही हैं बहुत जगह, वो ये हैं कि कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम विनिमेयता, ये हमने पिछले वीडियो में कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन के प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ाई थी उसमें भी आपको बताया था कम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमेयता। इसमें क्या होता है कि अगर ए के ऊपर बी के साथ कोई ऑपरेशन लगा है तो वो ऑपरेशन बी के साथ ए के ऊपर लगे के बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है, हो सकता है या नहीं हो सकता। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर ऑपरेशन जो है बाइनरी वाला, हर ऑपरेशन अलग अलग तरीके का होगा, तो किसी ऑपरेशन में तो ये बराबर होंगे और किसी में ये बराबर नहीं होंगे। लेकिन प्रॉपर्टी क्या बताती है, प्रॉपर्टी ये बताती है कि इनके क्रम को बदलना है हमें, ए स्टार बी है तो बी स्टार ए करना है इसे, ठीक है। ये बराबर हो या ना हो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ डिसाइड करेगा कि आपका क्वेश्चन किस टाइप का है। प्रॉपर्टी सिर्फ इतनी है कि ए को बी की जगह, बी को ए की जगह रिप्लेस करना, ठीक है। दूसरा होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव इसमें क्या होता है, इसे बोलते हैं साहचर्य। एसोसिएटिव मतलब साहचर्य, साथ साथ रखने वाली प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, अगर मेरे पास तीन एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी, तो ए स्टार बी स्टार सी ये इक्वल या मैं नॉट इक्वल, ये भी आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलता है। जिस तरीके का ये क्वेश्चन दिया है ऑपरेशन में वैसा ही ये भी एक्ट करेगा, इक्वल होगा या नहीं इक्वल होगा। प्रॉपर्टी सिर्फ इतनी है कि ए को अगर बी के साथ ऑपरेशन में यूज़ करें और जो आंसर आता है उसको सी के साथ ऑपरेशन में यूज़ करें, तो वो वैल्यू ए को अलग रख कर बी और सी को एक साथ यूज़ करने के बराबर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर बराबर होगी तो बोलेंगे कि ये साहचर्य का पालन कर रहा है, बराबर नहीं होगी तो बोलेंगे साहचर्य का पालन नहीं कर रहा है। लेकिन साहचर्य होने बताने के लिए ए स्टार बी को एक साथ रखना होगा और उसका स्टार सी के साथ निकालना है, या ए ऑपरेशन बी और सी का ऑपरेशन पहले निकाल कर फिर उसको ए के साथ करना है, ठीक है। तो ये साहचर्य के लिए, एसोसिएटिव के लिए करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना होता है। एक्चुअली ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिर्फ निकालने का आइडेंटिटी एलिमेंट एक इसमें बाइनरी ऑपरेशन में एक चीज़ है जो हमें फाइंड करनी होती है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना होता है। तो उसे कैसे निकालना है वो यहाँ पे बता देता हूँ मैं। आइडेंटिटी एलिमेंट हिंदी में इसे बोलते हैं तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक अवयव निकालना है तो इससे पहले आपको ये समझना होगा कि आइडेंटिटी का मतलब क्या है। आइडेंटिटी का मतलब है कि जैसी चीज रखते हैं वैसी ही चीज आ जाती है, यानी वैसा का वैसा दिखना, जैसा क्वेश्चन था वैसा ही दिखना चाहिए आंसर भी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट में करते समय हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे ए को, यानी किसी एलिमेंट ए को ऑपरेट करेंगे किसी आइडेंटिटी एलिमेंट जिसको ई से बोला है मैंने, ई से डिनोट किया है, ई से दिखाते हैं इस आइडेंटिटी एलिमेंट को। तो ए स्टार ई ये इक्वल होना चाहिए किसके, फिर से ए के, तो ए स्टार ई इक्वल होना चाहिए ई के। तो मैं बोल दूंगा कि ई क्या है, यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि किसी भी एलिमेंट का अपने खुद के आइडेंटिटी एलिमेंट से अगर ऑपरेट करवाया जाता है तो वही आंसर आता है, वो एलिमेंट ही आता है। जैसे इसमें मैं आपको
प्लस वाले का एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। एक बात याद रखना, हर एलिमेंट का, हर ऑपरेशन का जब यूज़ करते हैं तो वहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट अलग अलग हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह सोचें कि यही वाला हर जगह फिट होगा, यही वाला हर जगह होगा, ऐसा नहीं है। ऑपरेशन पे डिपेंड करती हैं चीज़ें, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी और ये आइडेंटिटी वाली जो है, ये सब ऑपरेशन पे है। जिस तरीके का ऑपरेशन होगा, जैसे यहाँ पे हमने इतने सारे ऑपरेशन लिखे हैं, उसी अकॉर्डिंग उनके आंसर अलग अलग होंगे, चाहे वो इसका इसको फॉलो करे, इसको फॉलो करे, या आइडेंटिटी एलिमेंट क्या निकालने के लिए, तो अलग अलग क्वेश्चन पे अलग अलग होंगे। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सीधा सा, प्लस वाला कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा सर, माइनस वाले का क्या होगा सर, एक बार मल्टीप्लाई वाले का बताओ, और एक बार सर डिवाइड वाले का भी बता दो। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेशन से हमारे बेसिक ऑपरेशन से मैथमेटिकल, तो ए को किसके साथ जोड़ूं कि वापस ए ही आ जाए, तो ए को जीरो के साथ जोड़ूं तो ए आ जाएगा, बिल्कुल सही। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या निकला आंसर, ए। तत्समक अवयव ए का योग संक्रिया के लिए जीरो होता है, ठीक है ना, जीरो ही उसका तत्समक अवयव है योग के लिए। माइनस के लिए फिर से जीरो ही है, क्योंकि जीरो घटा देंगे तो ए आ जाएगा। मल्टीप्लाई में बताइए, देखें मल्टीप्लाई में क्या आप जीरो लिख सकते हो? नहीं, क्योंकि जीरो लिखोगे तो जीरो ही हो जाएगा पूरा, और मुझे तो ए चाहिए तत्समक के लिए, तो इसकी जगह मुझे एक लेना पड़ेगा। ए को एक से गुणा करूँगा तो ए आ जाएगा। डिवाइड के लिए क्या भाग दूँ कि आ जाए, तो ये भाग दूँ तो एक आ जाए, सही है ना। तो ये इसके तत्समक अवयव होते हैं किसी भी ऑपरेशन के लिए। तो बच्चों, आप वीडियो को पॉज करके जो भी मैंने बताया उसे नोट कर लेना, और अब मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट प्रतिलोम अवयव पे, इनवर्स एलिमेंट। देखो, प्रतिलोम अवयव क्या होता है कि अगर मैं किसी एलिमेंट ए पे ऑपरेशन लगाता हूँ बी से, तो ए स्टार बी ये बराबर हो जाता है ई के, ई मतलब है आपका तत्समक अवयव, तत्समक आइडेंटिटी। तो अगर ए किसी बी से ऑपरेट होके ई देता है तत्समक या आइडेंटिटी एलिमेंट देता है, तो ये जो बी है जो ऑपरेट हुआ है ए के साथ, ये भी प्रतिलोम कहलाता है, किसका, इस ए का, ये कहलाता है प्रतिलोम, प्रतिलोम अवयव। तो बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ ये याद रखना होता है, ठीक है। तो तत्समक के लिए आपको याद रखना होता है कि ए किसी ई से ऑपरेट होके ए देता है, प्रतिलोम के लिए आपको याद रखना होता है कि ए किसी बी से ऑपरेट होके, यानी ए स्टार बी, ये हो जाता है ई इक्वल में, ठीक है। साहचर्य में आपको बताया जा चुका है कि ए स्टार बी को एक साथ रखो और उसका स्टार सी के साथ करो, तो इक्वल या नॉट इक्वल जो भी हो, ये जानने के लिए ए को स्टार बी स्टार सी के साथ यूज़ कर दो। और क्रम विनिमय तो बहुत ही सिंपल है, ए स्टार बी, ये बी स्टार ए, इक्वल चाहे नॉट इक्वल। तो ये बात हम इनकी तो कर चुके हैं। प्रतिलोम इनवर्स वाले के लिए आपको बता दिया कि दो किसी एलिमेंट एक जो ए है उसका अगर इनवर्स बी है, तो उन दोनों पे ऑपरेशन लगाने पे वो ई आना चाहिए, यानी उसके तत्समक अवयव के बराबर आंसर आना चाहिए, तो बी को बोलते हैं प्रतिलोम अवयव, ठीक है। तो ये बातें हो गई हैं कि बाइनरी ऑपरेशन में क्या क्या चीज़ें हमें आगे सॉल्व करनी पड़ेगी, कैसे फाइंड करना है, तो ये चार चीज़ें ही हमें वहाँ पढ़नी है, और चार चीज़ें जो हैं उनको इस तरीके से सॉल्व करके दिखाना होगा क्वेश्चन में। इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, और एक पहले चीज़ बता देता हूँ कि अगर किसी
ऑपरेशन में कुछ ऐसे दिया है कि ए स्टार बी जो है वो आपका ए स्टार बी जो है वो आपका एक बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। ए स्टार बी एक बाइनरी यानी द्विचर संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो ए स्टार बी एक द्विचर संक्रिया है या नहीं ये जानने के लिए आप ए जहाँ से बिलोंग करता है और बी जहाँ से बिलोंग करता है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जानने के लिए आप पहले ये देखिए कि ए कहाँ से है और बी कहाँ से है। जब आप ए और बी के बारे में पता कर लेते हैं या ये आपको दिया होता है तो ए स्टार बी जब आप फाइंड करें तो उसके बारे में आपको ये पता करना होगा कि जहाँ से ए आया था और जहाँ से बी आया था वहीं से ये ए स्टार बी भी आना चाहिए। ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ छोटा सा। अगर ए नेचुरल है बी भी नेचुरल से है तो ध्यान रखना है कि ए स्टार बी भी कहाँ से होना चाहिए, नेचुरल से। ठीक है, अगर ए बिलोंग करता है रियल नंबर बी बिलोंग करता है रियल नंबर तो आपने जो ऑपरेशन लगाया है वो भी बिलोंग करना चाहिए, उसका आंसर जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर में। ठीक है ना, तो मैं बता सकता हूँ कि ये ऑपरेशन जो है वो वैलिड है या नहीं, यानी कि ए स्टार बी जो है स्टार एक द्विचर संक्रिया है या नहीं, सिंपल है। ठीक है, तो आपको ए जहाँ से है बी जहाँ से है सबसे छोटे एलिमेंट्स ए और बी में से ले लें, ए स्टार बी निकाल लें और उसके बारे में देखिए कि जो आंसर आया है वो जहाँ से ए और बी हैं वो उसमें है या नहीं। जैसे ए नेचुरल है बी नेचुरल है तो ए में से उठा सकते हैं आप 1, बी से भी चाहें तो 1 ले लें या 2 ले लें, अगर आप 1 नहीं चाहते हैं सेम नहीं चाहते हैं तो दूसरा ले लें 2 ले लें, और एक जो लिया था और जो 2 लिया था उन दोनों पे ऑपरेशन लगाएं, जो भी आंसर आता है जैसे कि 3 आता है 0 आता है -1 आता है या 5 आता है या जो कुछ भी आता है उसमें से डिसाइड कर लें कि वो नेचुरल है या नहीं। अगर वो 3 आता है इसका मतलब नेचुरल है, इसका मतलब ये ऑपरेशन जो है ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये एक द्विचर संक्रिया है। 0 आता है तो 0 देखिए नेचुरल नहीं होता है, नेचुरल तो 1 से स्टार्ट होता है तो 0 नेचुरल नहीं है इसीलिए ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। अगर 0 आता है तो माइनस आता है तो फिर से नहीं होगा, 5 आता है तो होगा, है ना। तो इस तरीके से आप इजीली इन्हें जान सकते हैं कि कोई ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। ठीक है, ये चीज़ें आप जो है नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन लेते हैं जो अभी आपको मैंने बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बताया। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है मैंने। क्वेश्चन है, ज्ञात करें निम्न में से कौन सा द्विचर संक्रिया है और उत्तर की पुष्टि करें। इंग्लिश में क्या होगा, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनरी ऑपरेशन एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कैसे हैं इसमें। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए नेचुरल नंबर में, यानी ए भी नेचुरल से आएगा बी भी नेचुरल से आएगा तो उसका आंसर ए होगा और वो ए नेचुरल में होना चाहिए तो ही ये क्या होगा, बाइनरी होगा। नेक्स्ट, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 3, ये भी नेचुरल में। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस 3 भी नेचुरल में और नेचुरल नंबर। ए स्टार बी ए अपॉन बी, दिस इज ए अपॉन बी, ए अपॉन बी है ये क्यू में, क्यू मतलब होता है परिमेय संख्याओं में, आप जानते हैं ए अपॉन क्यू रूप वाले, तो ये क्यू मतलब परिमेय संख्या। एंड ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी ऑन रियल नंबर। इसके सामने ही मैं बता देता हूँ छोटे छोटे से तरीके से, इसको ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा। फर्स्ट वाले में लेट ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू
टू। तो ए को मैंने ले लिया एक और बी को ले लिया है मैंने एक। तो जब ए स्टार बी लगाता हूँ मैं तो ये आना चाहिए क्या सिर्फ ए वाला। तो ए एक ले रखा है उसका बी से लगाऊंगा तो आना एक चाहिए। तो इसका मतलब है ए की जगह फिर से एक ही लिख दो, ठीक है। ए स्टार बी ए है तो एक एक आ गया इसका आंसर। तो ए स्टार बी का आंसर एक है। एक नेचुरल है क्या? जी हाँ, ए स्टार बी का जो आंसर आया है वो वन है और वो नेचुरल नंबर है। तो ये क्या लिखेंगे? ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है। तो आपने जस्टिफाई कैसे किया आंसर? ए बराबर एक बी बराबर दो लेके एक इसका आंसर आ गया एक। तो ये नेचुरल में है तो बाइनरी है। सेकेंड वाले में देखना, सेकेंड वाले में लेफ्ट कर लिया मैंने ए की जगह वन। नेचुरल है फिर से तो नेचुरल सबसे छोटा नेचुरल नंबर वन होता है, वहीं से स्टार्ट करना है। बी की जगह वन भी ले सकते हैं टू भी ले सकते हैं। तो मैं सेम ना दिखे इसलिए टू ले रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि बी अलग नंबर होना चाहिए। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वन। तो ए स्टार बी में है ए प्लस बी माइनस थ्री। ए प्लस बी माइनस थ्री है, ए प्लस बी तो ए की जगह वन बी की जगह टू माइनस थ्री इसका आंसर आ जाता है जीरो। आपका ए स्टार बी जो है वो आ चुका है यहाँ पे जीरो। आपको पता है जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है। ए जो है वन लिया था नेचुरल नंबर, बी जो है टू लिया था वो भी नेचुरल नंबर, लेकिन जो ए स्टार बी निकाला है वो आ चुका है जीरो। जीरो नेचुरल नहीं है। तो इससे ये पता चला कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ये आपका बाइनरी ऑपरेशन ई कैटेगरी में नहीं आएगा। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में क्या है? ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस थ्री बी और नेचुरल नंबर। तो दिख रहा है कि यह एक फ्यूचर संक्रिया है। आप पूछोगे कैसे लिख रहा है सर बताओ, डायरेक्टली लिख देते हो। तो विचर संक्रिया इसलिए है क्योंकि ए का मान अगर मैं नेचुरल नंबर से कुछ भी लूंगा एक ले लिया, बी का मान नेचुरल से लूंगा दो ले लिया, तो एक प्लस तीन गुणा दो छः और एक होता है सात। तो सात जो है वो नेचुरल है, नेचुरल है तो ये क्या है? विचर संक्रिया है। क्यों? क्योंकि ए स्टार बी का मान उसी में आना चाहिए था जिसमें आपका ए का आ रहा है और बी का आ रहा है, यानी ए और बी जहाँ से लोगे ए स्टार बी वहीं से होना चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है, रख दिया मैंने और बता दिया कि यह एक फ्यूचर संक्रिया है। आप चाहो तो इसके आगे लिख सकते हो ए बराबर एक और बी बराबर दो से ए स्टार बी जो है वो आता है सात, वो बिलोंग करता है नेचुरल में, यानी ए स्टार बी बिलोंग्स टू नेचुरल, पता है फ्यूचर संक्रिया है, ठीक। ऐसे इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ये वाला तरीका भी सही है आपका, और चाहे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं लेट मतलब माना, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इसकी बात करें तो आपको फोर्थ वाले में ए स्टार बी जो है ए अपॉन बी है, क्यू से लेना था ए को क्यू से लेना था बी। आप बोलोगे सर कि ये हाँ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ए को क्यू से ले लो बी को क्यू से ले लो तो सर कुछ ना कुछ तो क्यू ही आएगा। क्यू मतलब कुछ के बटे में कुछ, पाँच अपॉन थ्री, फाइव अपॉन थ्री, टू अपॉन थ्री, इस टाइप का कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन मैं बताता हूँ, अगर आपका बाइनरी ऑपरेशन जो है किसी एक नंबर के लिए भी गलत हुआ तो पूरा ही बाइनरी ऑपरेशन जो है अमान्य हो जाता है। इस बात को समझना। आप क्या सोचते हैं कि बहुत सारे नंबर लेके देख लिया लेकिन एक नंबर छूट गया था, कौन सा? जीरो वाला। बी की जगह जीरो रख के नहीं देखा सर मैंने, बी भी तो जो है वो जीरो हो सकता है। यहाँ कुछ लिखा तो है नहीं कि बी जीरो नहीं होना चाहिए या कुछ, देखो कहीं नहीं लिखा है। तो बी जीरो ले सकता हूँ मैं, और जीरो जो है वो क्या है? परिमेय संख्या है।
तो यहाँ जीरो ले लूंगा तो ए के नीचे जीरो इन्फेनाइट अमान्य है, समझ रहे हैं। लेकिन जीरो को छोड़ के आप सारे नंबर ले रहे थे, जीरो नहीं ले रहे थे लेकिन उसको छोड़ के सारे नंबर ले रहे थे, तो क्या हो रहा था आपका कि द्विचर संक्रिया जो है ये बाइनरी ऑपरेशन वैलिड दिख रहा था, लग रहा था सर हाँ बहुत सारे नंबर अच्छे वाले ही आने वाले हैं, क्यों आ जाएगा, आंसर तो है बाइनरी है, लेकिन जीरो लेना था, ठीक है ना, क्योंकि कहीं नहीं दिया है जीरो नहीं लेना। जीरो एक रेशनल नंबर होता है, जीरो आपका जो है वो एक परिमेय संख्या है, ध्यान रखेंगे। जीरो के नीचे एक लिख सकते हैं, परिमेय है। तो ए अपॉन बी संक्रिया जो है यह एक द्विचर संक्रिया नहीं है, दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, यह एक द्विचर संक्रिया नहीं है। क्यों? ए बराबर क्यू और बी बराबर जीरो लेने पर, क्यू का मतलब कोई सा भी नंबर, तो मैंने वन ले लिया, क्या टेंशन, तो वन ले लिया, तो ए अपॉन बी जो आता है वो आता है वन अपॉन जीरो, जो कि देता है अनंत, अनंत को लिखते हैं अपरिभाषित, अनंत का मतलब होता है अपरिभाषित। तो जो अपरिभाषित है वो Q में तो आएगा ही नहीं, यानी A अपॉन B जो है Q में आएगा नहीं, अपरिभाषित हो जाएगा, तो मुझे क्या लिखना था, हाँ यह द्विचर संक्रिया नहीं है लिखना था, सॉरी इसको नहीं है कर देता हूँ, यह एक द्विचर संक्रिया नहीं है, A बराबर एक B बराबर जीरो लेने पर एक बटे जीरो अनंत होता है अपरिभाषित होता है, इसीलिए यह द्विचर संक्रिया नहीं होगा। दूसरा अच्छा, इसका एक चीज जो है देखिए, इसको मैं इस तरीके से भी एक समझा सकता हूँ कि मान लो अगर मैं ऊपर 22 आ जाता है और नीचे 7 आ जाता है तो ये पाई लिखते हैं इसको, लेकिन ये एक तरह से है ना, ये पूरी तरह से पुष्टिकारक नहीं है, ये एक सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं होता है, फिर भी आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं कि 22/7 जो है वो पाई होता है, तो पाई जो है वो परिमेय नहीं होता है ना, पाई परिमेय नहीं है, पाई परिमेय नहीं है, ऐसा भी कुछ लोग दे सकते हैं, हालांकि ये चल जाएगा लेकिन ये पूरी तरह से नहीं चल पाता है, क्यों, क्योंकि जब आप पहले ही 22/7 लिख देते हो तो 22/7 का मतलब है पी बटे क्यू रूट, तो ये तो पहले ही परिमेय हो गया ना, तो जो पहले ही परिमेय है उसके बराबर पाई क्यों लिखना चाहते हो, इसी वजह से इसको ले नहीं सकते, ठीक है ना, तो ये इसलिए आपका आंसर जो है एक्यूरेट नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये किसमें है, रियल नंबर में, चौथा है और पांचवा है हमारा, तो ए स्टार बी ए माइनस बी है, तो ए की जगह अगर मैं कुछ ले लूँ, रियल नंबर है ना, 1 ले लो 2/3 ले लो कुछ भी ले लो, और बी की जगह कुछ ले लो, रियल नंबर है तो 0 भी ले सकते हो, -2 भी ले सकते हो, 3/4 कुछ भी ले सकते हो भैया। तो ए स्टार बी निकालेंगे जब आप, यानी कि 1-0 कर लेता हूँ तो 1 आता है, यानी कि 2/3-2 कर लेता हूँ, 3 × 6 − 2 = 4/3 आता है, कुछ भी जो भी आएगा ये कुछ भी ये रियल नंबर ही होगा, तो ए स्टार बी कहाँ है, रियल नंबर में है, तो ए स्टार बी रियल है, तो इससे ये पता चलता है कि ये ऑपरेशन वैलिड है, तो यहाँ लिख दो यह एक द्विचर संक्रिया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो हो चुका है पूरा, जिसमें हमने ये सीखा कि कौन कौन से जो संक्रियाएं यहाँ पर है वो द्विचर संक्रियाएं हैं, और हमने उसके उत्तर की पुष्टि भी कर ली, ये तरीका आपको याद रखना है, इसी तरीके से चाहे तो ये वाला यूज कर लें चाहे ये, यानी कि आप पहले मान के कोई नंबर दिखा सकते हैं कि ये उसमें नहीं है या है, और बता सकते हैं कि ये बाइनरी है या नहीं, लिख सकते हैं लास्ट में, या फिर शुरू में ही लिख दें कि यह द्विचर संक्रिया है या ये नहीं है, और बाद में आप उसको बता दें कि ये ऐसे नहीं हुआ, ठीक है।